हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल बम्पार्ड एजुकेशन एंड वी आर डूइंग विद मैरी गोल्ड अ इंग्लिश बुक फॉर क्लास 3 डीपीएस एंड द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 2। सो द यूनिट 2 द चैप्टर इज बर्ड टॉक, मतलब चिड़ियों की आपस की बातचीत के बारे में। टॉक मतलब कैसे बातचीत, ठीक है। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी, क्या आप ऐसा सोचते हो कि चिड़िया भी लोगों को मज़ेदार समझती हैं, या ऐसा लगता है चिड़ियों को कि लोग बहुत मज़ेदार हैं। लेट्स लिसन टू वट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से, चलो सुनते हैं कि रॉबिन मतलब क्या होता है। वैसी चिड़िया जिसका क्या होता है, नीचे आपका पूरा गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। ये वुड पीकर जो आप कठफड़वा होता है वो भी इस श्रेणी में आता है। एंड द जे हैव टू, जे किस में आता है, जैसे नीलकंठ जो शिव जी के उसमें होता है नीलकंठ, या मोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नीलकंठ ही मानेंगे। और इधर पर इनको क्या है, जो जे है उसमें एक लड़के को दिखा रखा है और रॉबिन में लड़की दिखा रखी है। तो ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो क्या है, सोचो, सेड द रॉबिन, रॉबिन कह रहा है, ठीक है, किससे, जे से। थिंक सेड द जे, और जे भी कह रहा है कि थिंक, सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, किसी गार्डन बगीचे में बैठे हुए हैं और एक दिन वो बातचीत कर रहे हैं। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फैदर्स एट ऑल, यू नो। बोल रहा लोगों के बारे में सोचो कि कैसे वो बड़े होते हैं, उनके पास फीदर्स मतलब कहते हैं पंख, उनके पास पंख भी नहीं होता है, यू नो, आप जानते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लोग कैसे बड़े होते हैं, उनके पास तो पंख भी नहीं होते हैं और आप सब जानते हो। They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things। कह रहा है ना वो beetles, beetles क्या होता है, झिंगुर, जो रात को आवाजें सुनाई देती हैं आपको, ठीक है, टर टर की छोटी छोटी आवाजें, झुंक, तो वो beetles कहते हैं उनको, झिंगुर होते हैं। तो वो कह रहा है ये झिंगुर भी नहीं खाते हैं और दे उनको पंख भी नहीं बड़े होते हैं, नहीं उगते हैं ना बढ़ते हैं। दे डोंट लाइक सीटिंग ऑन, और वो ना तारों में और किसी चीज पर भी नहीं बैठते हैं। जैसे आपने चिड़ियों को देखा होगा ना, तारों में बैठ जाते हैं, कोई चीज कपड़े डाले उनके ऊपर बैठ जाते, तो आदमी ऐसा भी नहीं करते। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, कह सोचो, रॉबिन कह रहा है और जे कह रहा है सोचो। आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे, क्या इस तरीके से लोग मजेदार नहीं होते, ठीक है। ये अपनी तुलना कर रहे हैं चिड़िया आदमियों से, तो कह रहे हैं कि ना उनके पंख उड़ते हैं, ना वो बढ़ते हुए होते हैं, ना वो बीटल्स को खाते हैं झिंगुर को, ना वो किसी चीज पर बैठते हैं, ना वायर्स पे बैठते हैं। तो बोले क्या इस तरीके से वो मज़ेदार नहीं होते। तो ये एलिन फिशर की लिखी हुई कविता है, ठीक है। इसमें जो नए वर्ड्स हैं वो क्या है, नए शब्द आए हैं, बीटल्स, बीटल्स मतलब झिंगुर, सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब तार, और फनी मतलब मज़ेदार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।